हमारे पिताजी जब कल्याण जी भाई को सिखाने जाते थे तो महेंद्र कपूर जी भी वहाँ आकर के बैठते थे और हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। जब से हमने महेंद्र जी को हमने गाते हुए सुना है, उनसे इंस्पायर हुए हैं और आज कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होता जहां उनके गाए हुए गीत की फरमाइश ना आए। तो आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ महेंद्र जी और रोहन से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है और मेरा आना बनता ही है। और मैं सिद्धांत और निकिता को दिली मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि इनके दामन में हर तरह की खुशियां जो है वो ईश्वर इनको दे और यही कहूँगा, रब ने बना दी जोड़ी। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद रोहन को और उनकी मिसिस को, नीरजा को। और इस फैमिली से तो मेरा बचपन से नाता है और बड़ा प्यारा नाता है। और पापा जी मतलब हमारे महेंद्र कपूर साहब के साथ गाने भी बहुत गाए हैं, प्रोग्राम्स भी किए हैं। ये फैमिली में शादी है तो हमारी तरफ से दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ब्राइड नेम है सिद्धांत। हाँ, सिद्धांत और निकिता दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। कहना चाहिए हम फैमिली मेंबर के नाते आए हैं आज। नीरजा जी ने बहुत बहुत प्यार से हमको महीने भर पहले से बताया हुआ है इस फंक्शन के लिए, तो आज सिद्धांत और निकिता को बधाई देने और बेस्ट विशेस देने के लिए आए हैं। थैंक यू। मैं आपको क्या बताऊं, मैं 3 जनरेशन से यानी महेंद्र भाई से लेकर परवीन भाभी से लेकर रोहन, उनकी बीवी और अब उनके बच्चे जानती हूं और इतना जानती हूं, इतना करीब से जानती हूं कि शायद आज के दौर में मेरी जनरेशन वाला कोई नहीं जानता होगा। महेंद्र भाई के बारे में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाना है। रोहन उन्हीं का बेटा है, उन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत समेट के बैठा है। और आज बस मुझे सबसे ज़्यादा कमी महसूस हो रही है महेंद्र भाई की, लेकिन वो जहाँ भी हैं ऊपर से स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे होंगे अपने बेटे को, बहू को और उनके दोनों बच्चों। सिद्धांत और निकिता के बारे में? हाँ, सिद्धांत और निकिता भाई जाहिर है जब कहीं फंक्शन में कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो हम कहते हैं लो आज का दूल्हा और दुल्हन तो ये है। तो आज तो वाकई सचमुच दूल्हा दुल्हन ही है। उनको ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, मुबारकबाद और मेरे साइज़ की दुआएं। धन्यवाद। जानता संगमे महे ओम ये देवानां यज्ञा यज्ञानां मनोयुत्रामृता तज्ञा। मैं तो महेंद्र पाजी को इतना याद कर रहा हूँ, वो एक देवता किस्म के इंसान थे। और आज अगर मैं आया हूँ यहाँ तो सबसे पहले तो महेंद्र पापा जी, उनकी मोहब्बत सर आंखों पर। ऐसे गायक, ऐसे इंसान अब दुनिया में आना मुश्किल है। और उनका बेटा उनकी परंपरा को आगे लेके जा रहा है। रोहन बहुत ही प्यारा बच्चा है। आज उसने जो जितने भी फ़र्ज़ होते हैं एक माँ बाप के, वो पूरे कर रहा है। और आशीर्वाद है महेंद्र पापा जी का। और बड़ा ही नायाब और ख़ूबसूरत ख़ानदान। अगर आप देखें कोई भी गाना आप याद करें तो इंडस्ट्री का एक ऐसी आवाज़ है, जैसे कि अभी अचानक मैं गाड़ी में बैठा था, मुझे गाना पता नहीं क्यों याद आ गए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और जैसे मैं सामने आया ऐसा लगा साक्षात महेंद्र बाबा जी हैं, किधर घूम रहे हो। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू। महेंद्र कपूर जी महान कलाकार, महान। हमने मेरे खुश नसीबी किया, उनके साथ मैंने शोज़ किए हैं। और ऊपर उनके बेटे रोहन कपूर, हमारी पहली फिल्म, भाई नॉट पहली फिल्म बट रोहन कपूर एंड गोविंदा। और मेरा नाम तो लव 86 से हुआ है। हमारे हीरो हैं रोहन कपूर, जिनका बेटे की शादी है। ओके, सिद्धांत उनके बेटे का नाम है। सिद्धांत, यस। निकिता दुल्हन का नाम है। क्या क्या दुआएं देना चाहेंगे सिद्धांत और? अरे सिद्धांत तो हमारा बच्चा है भाई। सिद्धांत को, निकिता को हमारी बहुत बहुत ढेर सारी दुआएँ हैं। बहुत दुआएं। मालिक बहुत अच्छा रखे। बहुत प्यारा बंदा है, बहुत अच्छा लड़का सिद्धांत, बहुत प्यारा, बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू जॉनी भाई। मेरे वालिद साहब थे, उनके साथ तो मैं बहुत कम रिएक्शन, लेकिन हाँ बेशक अपना रोहन कपूर के साथ मेरा काफ़ी घरेलू मामला है। और रोहन जी के साथ अपना आना जाना, घर में आना जाना बहुत है। तो और वैसे भी अपना अब्बा के ज़माने से अपना है, तो ज़ाहिर सी बात है अपना दैट रिलेशन, दैट बॉन्डिंग इज स्टिल देयर। ओके, सिद्धांत जी एंड जो दुल्हन है उनका नाम है निकिता, क्या दुआएं देना चाहेंगे आज के दिन? बस उन लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ मैं, और आशीर्वाद के मतलब अपना खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू सर। हमारे देश के बड़े प्लेबैक सिंगर्स में कपूर साहब का नाम आता है और हमेशा आएगा। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त आएगा तो मेरे देश की धरती बजने लगेगा, इसलिए कभी नहीं भूला जा सकता। तो मैं तो बहुत उनकी इज्जत करता रहा हूँ। अब उनके परिवार से सुंदर संबंध, मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद है। उनसे यही कहना है कि अपने ख़ानदान की जो डिग्निटी है, इतना बड़ा नाम है, उसको बनाए रखिए। थैंक यू सर। जी आपकी एसोसिएशन कपूर फैमिली से, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। महेंद्र कपूर साहब से बहुत पुराना रिश्ता है। पहले तो हम उनके फ़ैन रहे हैं, और कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई की वजह से हमने महेंद्र जी के साथ बहुत शोज़ किए हैं। और बहुत प्यार करते थे मुझे, मेरे घर के हर फंक्शन में वो आए हैं, और इसलिए ये रिश्ता बना रहा। और रोहन जी ने वो रिश्ता कायम रखा है। तो आज बहुत खुशी है कि सिद्धांत की शादी है, उसे आशीर्वाद देने आए हैं। और मुझे यकीन है कि महेंद्र के ऊपर से देखते होंगे, खुश होते होंगे कि उनके सारे दोस्त यहाँ इकट्ठा हुए। गॉड ब्लेस। थैंक यू। मधु जी, सबसे पहले आपके एसोसिएशन कपूर फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा है, कि बहुत साल पहले जब मैं सुरिनाम में थी तब महेंद्र कपूर जी सुरिनाम गए थे प्रोग्राम करने के लिए, उनका आशीर्वाद मिला था। और रॉबी जी मेरे हस्बैंड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, और रोहन भी गए थे वहाँ पर। और सिद्धांत तब बहुत छोटा बच्चा था। आज बहुत अच्छा लगा, खुशी की बात कि आज सिद्धांत के शादी में मैं आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल, रोहन इज़ ए फैमिली फ्रेंड, मतलब एक फैमिली जैसे हैं। हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में वो आता है। नीरजा इज़ ए ब्यूटीफुल लेडी एंड बहुत अच्छा है, बहुत घुल मिल है, बहुत ही क्लोज। थैंक यू। मैं यही कहूँगा कि महेंद्र कपूर साहब के तो हम बचपन से फ़ैन रही हैं, और रोहन बड़ा पुराना दोस्त है। और उसका जैसे ही फ़ोन आया तो फिर अब ये तो आना ही था। आई हैव टू ब्लेस रोहन सन, इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। ओके, सिद्धांत और निकिता दूल्हा दुल्हन को क्या दुआएं तो यही देंगे कि बिल्कुल हमेशा खुश रहे। और आज शादी हुई है और ताउम्र चले इनकी शादी, यही दुआएं देंगे। थैंक यू। महेंद्र जी मेरे अंकल की तरह थे, अंकल की तरह ही नहीं, मैं अंकल ही थे, क्योंकि जिनको बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपना छोटा भाई मानते थे। और आपस में एक दूसरे परिवारों में बहुत प्यार और इज्जत रही है। आज बेहद खुश हूँ मैं। रोहन को हमेशा मैंने अपना छोटा भाई माना और बच्चा ही समझा है। आज रोहन के बेटे की शादी होने जा रही है, मुझे बेहद आश्चर्य और खुशी हो रही है। सबको, नव दंपति को मेरा शुभ आशीर्वाद और परिवार को बहुत बहुत बधाई। मैंने महेंद्र कपूर जी के साथ बहुत शोज़ किए, उनके साथ देश विदेश में बहुत सारे कार्यक्रम किए। तब मैं नया नया था, शो में एंकरिंग करता था, बीच में मिमिक्री करता था, तो उनका मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है। रोहन से भी दोस्ती है, तो बस वही निभाने के लिए आया हूँ। ओके, सिद्धांत और निकिता की शादी है, क्या दुआएं देना चाहिए? रिसेप्शन बस मस्त रहें दोनों, एंजॉय करें लाइफ। और बस उनके दिन है, उनका टाइम है, बस जोड़े को बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। परिवार है, अंकल से लेकर और आज रोहन भैया और सिद्धार्थ तक रोहन इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी और सिद्धांत उस रिश्ते से मेरा भतीजा है और एक बहुत ही प्यारी फैमिली है और हमारे लोगों का एक पंजाबी कनेक्शन है, सिंगिंग कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है और बाकी और क्या कहूँ। खुश रहें और इसी तरह जिस बंधन में बने हमेशा बंधे रहें। ईश्वर इन्हें लंबी आयु दे और खुश रहे। It's extremely delightful to have another daughter in the house. Nikita, our daughter, is a very, very talented, very beautiful, very loving, very warm kid, and it's so nice to have her with us. And that she is joining Siddhant in his journey ahead in his life. We wish them both all the best. Feeling on top of the seventh heaven to have a son who's been a small kid to this journey of his life where he's going to get married now and start his new life. So God bless them both and welcoming a new daughter in the family who you want to see both of them blossom in future. God bless them. Can we have you sing a song to welcome Siddhant's new journey? वो भी गाना दिल करेगा। It's a great feeling. I feel wonderful. It's a lovely feeling and it's surreal. And she's a lovely person and I'm very excited to have her in my life. Very happy. And it's the same. I'm getting into a lovely family and getting a lovely husband. So waiting to share the adventure, the rest of our lives together. The adventure begins now.